आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अंकित रावत और मैं आया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। और आज वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आज जबरदस्त बारिश आ रही है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मैंने कहा यार एक वीडियो तो बननी चाहिए, ऐसे में अच्छा लगता है बारिश में। हवा भी अच्छी चल रही है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। ये देखो क्या नजारा है आज का, मन खुश कर दिया आज बारिश ने। काफी टाइम से बारिश नहीं थी। और वैसे भी मैं जो उसमें देख रहा था वेदर में कि आज बारिश दिखा रखी है, तो सुबह से ही बारिश है, रात के लगभग 2-2:30 बजे से। और भाभी लोगों ने मुझे छत में भेजा था कुछ काम से, मुझे काम तो बाद में भूल गया। मैंने कहा चलो पहले वीडियो ही बना लेता हूँ। और जो यहाँ पे मेरे पीछे सामने वो देख रहे हो जाल ढका है, उसमें से पानी लीकेज हो रहा है तो नीचे गीला हो रहा है, तो मैं उसको पहले सही कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। और एक इधर भी है जहाँ पे टंकी के बराबर है, मैं इसे भी करता हूँ सही, क्योंकि पानी नीचे फरस में गिर रहा है तो गीला गीला हो रहा है, तो मैं करता हूँ। बच्चा पार्टी है, ये भी सोच रहे हैं कि हम भी नहा लें, लेकिन ऐसा है ना बेमौसम की बारिश में नहाना अच्छा नहीं होता, शरीर भी ख़राब हो सकता है इसमें। हेलो गौरी, हेलो गौरव, कैसे हो? नहाने का मन कर रहा है ना? हाँ नहीं नहाना बाबू, बारिश में ठंडा होता है और हवा चल रही है ठंडी, मेरे को भी ठंड लग रही है। लेकिन यार छत में घूमने का मज़ा आ रहा है, बारिश में काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने से बारिश नहीं है, गर्मी भी काफ़ी थी तो आज बारिश हुई है तो मौसम कुछ अच्छा सा हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हो सारे पेड़ हरे भरे हो गए हैं, जितने हमने छत में गमले लगा रखे हैं। और मेरे यहाँ एक सेम की बेल हो रही है, आपको दिखा रहा हूँ, वो देखो कितनी लंबी है, वो ऊपर तक जा रही है, घर की बेल है, घर की सेम है, इसमें आएंगी। तो एक बार की तो हमने खा ली है और दूसरे बार की भी खाने की तैयारी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको खाने में, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा। हमारा टफी है, हाय टफी, देखो ये नहा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। और टफी चलो उस साइड चलो, नहाओ जाओ, चलो जाओ। और देखो ये मौज मस्ती कर रहा है, खूब नहा रहा है पानी में, ये मजे ले रहा है। हाय टफी, हेलो, आ जा। वो देखो हाय हाय टफी, ये बहुत छलांग मारता है साला, बदमाश हो रहा है। देखो ये माजी, अभी देखो खूब बारिश में नहा रहा है, मजे आ रहे हैं उसको नहाने में। और बादलों की गड़गड़ाहट देखो आप, और क्या काले बादल लगे हैं आसमान में। पीछे देख रहे हो ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, उसमें से शहद निकालने के बाद जो मोम बसता है, तो भाई ने रख रखे थे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5-6 महीने, बदबू तो नहीं आती, लेकिन इसमें मोम जो आता है ना उससे जैसे धागे होते हैं, धागों पे रगड़ते हैं तो धागे हो जाते हैं टाइट, तो धागे को खींचोगे ना तो टूटेंगे भी नहीं, इतनी मजबूती आती है। और यहाँ पे काफ़ी ठंड लग गई है मेरे को, छत में मैं भीग चुका हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा अभी बाद में बनाएंगे, क्योंकि मैं नहाऊँगा तो मैं सारा गीला हो जाऊँगा, इसलिए से मैं नहीं बना पा रहा, मन भी नहीं कर रहा कि अगर मैं नहा चुका हूँ ना, नहीं नहाता तो मैं दोबारा से बना सकता था वीडियो। और मैं अपने घर से ही आपको अभी फ़िलहाल थोड़ी देर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्या बारिश हो रही है देखते हैं। और मेरे पीछे देखो मेरा टफी खड़ा है, मेरा दोस्त है ये मेरा, मेरे साथ ही ज़्यादातर रहता है घर में, अगर मैं घर में रहूँगा तो। हाय टफी, ये देखो कमीना कुत्ता काट रहा है मेरे को, आ गया। हाय टफी, देखो ओए नहीं आ जा,
अतु क्यों नहा रहे? और ये हमारी छोटी गुड़िया है, छोटी गुड़िया को नहाने का बहुत शौक है। और देखो कैसे नखरी से कर रही है, मैं नहीं नहा रही हूँ। और ये छतरी को ऐसे क्यों कर रही है? तो पानी भर के क्या हो जाएगा इसमें? अपने ऊपर गिरेगी, है बदमाश हो रही है। और गौरव तू नहीं नहा रहा है क्या? क्यों है खांसी हो रही है? अच्छा ये बड़े भाई का बदमाश बच्चा है गौरव। और दोस्तों मैं नहा के आ गया हूँ बारिश में, आराम में जा रहा हूँ। टेम्पो, ये टेम्पो हमारा तैयार हो रहा है आंगनवाड़ी का। ये है राशिद भाई जी, इनका टेम्पो है। और ये इसकी खाला जो है बराबर में ये जवान से जा रही है बुढ़ी अम्मा इनकी। और ये हमारे दूध वाले भाई हैं कल्लू भाई, उनकी घरवाली है मित्तो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।